वेलकम टू आवर चैनल आरआर मीडिया एंड आयरा न्यूज़। जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली है हमको कि एक हफ्ता पहले इस स्कूल के अंदर आठवीं क्लास का जो बच्चा है, विद्यार्थी है, एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक उसकी गलती पर यहाँ के शिक्षक ने, ये जो टीचर होते हैं यहाँ के एट्थ स्टैंडर्ड के टीचर, इतनी बुरी तरह से पीटे हैं उसको। और बताया ये भी गया है सूत्रों के मुताबिक कि उसे रॉड से या कोई दूसरी बड़ी स्टिक से मारा गया है और लगातार हार्ड हिट करने से उसके टांग पर बच्चे की एक जो बोन होता है वो क्रैक हो चुका है। उसकी जो लेग होता है, लेग का बोन क्रैक हो चुका है लगातार हिट करने से। ये घटना हुई है और ये हुई है घटना ज्ञानसुधा स्कूल के सामने। जो स्कूल की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज्ञानसुधा स्कूल के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं। आपको स्कूल इंट्रोडक्शन कराएंगे और ये भी बताते चले साथ साथ के DDPI BEO जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े आला अधिकारी हैं, उनकी निगाह ऐसी स्कूलों पर क्यों नहीं पड़ती है। आखिर यहाँ पे जो विभाग है, स्कूल के जो आला अधिकारी हैं, जिनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इसके ऊपर कहाँ सोया हुआ है प्रशासन। जितने भी बातें हमने बताई है अभी इसके तस्वीर भी बताएंगे हम आपको। ज्ञानसुधा स्कूल में जिस तरह से पीटा गया है आठवीं जमात के लड़के को, केस अभी चल रहा है, ये सिलसिला जारी है। चौबारा पुलिस स्टेशन में ज्ञानसुधा का स्टाफ भी मौजूद है और वो बच्चा और बच्चे के माँ बाप भी मौजूद है। हम सारे तस्वीर बताएंगे, देखते रहे हमारे चैनल आरआर मीडिया और आयरा न्यूज़ को। पार्ट टू में हम सभी तस्वीर खोल कर बताएंगे और सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे आरआर मीडिया और आयरा न्यूज़ से।